गोवंडी के मन्नत हॉस्पिटल में मचा बवाल, अब्दुल कयूम मृतक के परिवार वालों का आरोप। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मैं खड़ा हूं गोवंडी के मन्नत हॉस्पिटल के बाहर। यहां पर कुछ वक्त पहले काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लग गई थी। आरोप था परिवार वालों का कि मृतक अब्दुल कयूम, जो कि कैंसर पीड़ित था, जिसका इलाज यहां चल रहा था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जो परिवार वाले हैं मृतक के, उनका ऐसा कहना है कि मन्नत डॉक्टर, जो मन्नत हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने उनसे करीब 8 लाख रुपये वसूले और पेशेंट के साथ लापरवाही की गई और उस वजह से पेशेंट की मौत हो गई। इसी मुद्दे को लेकर के जो यहाँ के जो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हुई थी और ये सारी चीज़ें कितनी सच है। मैं हूँ मन्नत हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर रेहान खान के साथ में, कि समझेंगे कि क्या माजरा था, जिस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं इस विषय को लेकर के। हमने जो कयूम अब्दुल कयूम जो है, जो मृतक है, उसकी फैमिली से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तरीके से इनकार कर दिया कि हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं फिर से इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ कि अब्दुल कयूम जो मृतक है, जिसके लिए सारी चीज़ें हुई थी, उनकी फैमिली में से कोई भी आकर के अगर कैमरे पर बात करना चाहे, अपनी सफाई या अपना पक्ष रखना चाहे, तो बात कर सकते हैं। अभी हम दूसरे पक्ष से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेडिकल डायरेक्टर है रेहान सर, उनसे बात करेंगे। सर, क्या चीज़ें हुई थी, इतने सारे लोग थे, काफ़ी गोवंडी में इस चीज़ का आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि 8 लाख रुपए आपने लिए और पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो गया। क्यों एक्सपायर हुआ, क्या हुआ था? असल में ये मिस्टर अब्दुल कयूम, ये हमारे कैंसर के पेशेंट थे, जो यहाँ पे हमारे पास दिसंबर मंथ में ऑपरेट हुआ था बाय डॉक्टर अमित गांधी, जो रेनाउंड अपने कैंसर सर्जन है, CRS प्लस हाईपेक सर्जन, जो बहुत कम लोग हैं पूरे ऑल ओवर मुंबई में। तो वो यहाँ पे इसलिए लोगों को लाते हैं कि जिसके पास पैसे नहीं हो, नॉन अफोर्डिंग पेशेंट हो, तो उनको यहाँ पे कम से कम रेट में हम करके देते हैं ऑपरेट। तो ये पेशेंट एक्चुअली एडमिट हुए थे पहले स्टार्ट ऑफ दिसंबर में, लेकिन ये एब्सकॉन्ड हुए, इनको नहीं ऑपरेट कराना था, ये चले गए वापस। तो इनको किसी ने ट्रेस नहीं किया हमारे साइड से। उसके बाद में ये फिर 10 दिन के बाद आए कि नहीं, अब हम तैयार हैं, तो अब हम ऑपरेट करवा देंगे। लेकिन ये चीज़ उनको पता थी कि उनको पेशेंट जो है उसको कैंसर है? जी जी, पहले से पता थी उनको, टंग पे कैंसर था, जो जबान होती है उस पर कैंसर था उनको, और उसी का ऑपरेशन करना था क्योंकि वो ऑपरेबल डिसीज़ थी वो टाइम पे। और ज़रूरी होता है कि ऑपरेबल डिसीज़ को आप जल्द से जल्द उसको कैंसर को निकालो, उसके बाद आगे होता है रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। वो कब आपको पता चलेगा, जब आपका पूरा के पूरा जो मांस निकलता है उसकी टेस्टिंग होती है, उसमें आपको पता चलता है कि ये कैंसर जबान से लेके गले तक आया है कि नहीं आया है। और अगर आया है तो आपको उसमें रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी मैंडेटरी हो जाती है। ये सब कुछ उनको एक्सप्लेन था ऑपरेशन के बाद, जब हमने उनको निकाला। एक स्पेशल टेस्ट एक होता है ऑपरेशन के दौरान, जो कभी कभी अपने को डाउटफुल होता है कि निकला है कि नहीं निकला है पूरा, एक फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं, जिसमें हम लोग ट्यूमर निकालते हैं और उसको ऑन स्पॉट टेपास्ते हैं कि उसमें कैंसर पूरा निकला है कि नहीं निकला है। उसमें हमने फ्रोजन सेक्शन करवाया, ट्यूमर निकला, ट्यूमर के बाजू बाजू में से पूरा वो फ्री दिखा रहा था पूरा, कि कहीं पे भी कोई कैंसर नहीं है कट मार्जिन में। अगर कट मार्जिन पॉजिटिव आती कैंसर के लिए, तो हम लोग को वो रिवाइज करना पड़ता, वो रिविजन का भी हम लोग को टेस्टिंग करना पड़ता है कि उसमें अब कैंसर है क्या नहीं है। तो फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट गो में ही ऐसा निकला था ट्यूमर, हम लोग बहुत अवे थे, मार्जिन बहुत क्लियर थी। उसके बाद में उसका नेक डिसेक्शन किया गया, वो फ्रोजन का पार्ट हट गया, फिर आगे सर्जरी कंटिन्यू हुई। नेट का जो पार्ट होता है वो निकाला जाता है, अगर वो ट्यूमर मोर देन 1 सेंटीमीटर का होता है, इनका ट्यूमर बड़ा था मोर देन 1 सेंटीमीटर, तो वो मैंडेटरी होता है कि आपको नेक डिसेक्शन करना है। नेक डिसेक्शन सर ने किया और काफ़ी पीछे पोस्टीरियर टंग का उनका काफ़ी बड़ा चंक निकला था, जिसके वजह से वो बाद में बोलना और खाने में बहुत दिक्कत हो सकती थी उनको। तो सर ने उनको एक प्लास्टिक सर्जरी की थी, यहाँ का मसल निकाल के उनको प्लास्टिक सर्जरी से वापस से टंग रिकन्स्ट्रक्ट किया था, जिसके वजह से उनका फंक्शनिंग ऑफ टंग बहुत इंप्रूव हो जाता है। ये सब होने के बाद 7 दिन के बाद उनकी हिस्टोपैथ रिपोर्ट आती है, उसमें आता है कि गांठ में कैंसर आया है जो निकल चुका है, अभी बॉडी में नहीं है कहीं कुछ। ये सारी रिपोर्ट्स जो थी नॉर्मल आ गई, फर्स्ट ऑपरेशन, सारी चीज़ ऑपरेशन में ये हुआ है दिसंबर में। और उसके बाद होता है 1 महीने के बाद रेडिएशन। रेडिएशन का उनका एक अपना रूल है, जब भी वो रेडिएशन स्टार्ट करते हैं तो एक सिटी प्लानिंग होती है उनकी, उसमें सिटी स्कैन में ये चेक उन लोग करते हैं कि कहीं पे भी कुछ कैंसर अंदर छूटा है। अगर छूटा है तो वापस से वो सर्जन से कॉन्टैक्ट करने बोलते हैं और वापस से उसको ऑपरेट करा के फिर वापस से बुलाते हैं। तो वो सिटी स्कैन भी इनका क्लियर था और उसके बाद में उन्होंने पेशेंट ने रिसीव किया रेडिएशन थेरेपी वहाँ पे सानपाड़ा में।
हर कीमोथेरेपी इसमें ये होता है कि रेडिएशन के साथ साथ कंकरेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं, वो भी एक उनको दिया गया पेशेंट को, हफ्ते में एक बार ऐसा 5 कीमोथेरेपी दिया गया, जिसका कॉस्टिंग मतलब बड़ा होता है। लेकिन सर टोटल नहीं, टोटल ये जो सारे ट्रीटमेंट्स आपके हो गए टोटल कितना, मतलब आप पे जो इल्ज़ाम लग रहा है वो करीब कि 8 लाख रुपये पेशेंट से आपने चार्ज किए हैं। नहीं, ये तो बेबुनियाद है, अभी उसके पूरे डिटेल्स यहाँ पे है हमारे पास। ऑपरेटिव जो चार्जेस था उनका, उन्होंने पार्टली कैश किया है, मतलब कैश में जो पेमेंट हुआ था उनका, एक 15th को हुआ था 80,000, 21 को हुआ था 1 लाख, उसके बाद में 24 को हुआ था 50,000 एंड 27 को हुआ था 20,000। ये टोटल पेमेंट हमारा ऑपरेटिव है, जिसमें 2,50,000, उसमें आपका असिस्टेंट चार्जेस, एनेस्थेटिस्ट चार्जेस, ओटी चार्जेस, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे था वो सब में ऑक्सीजन लगता है, नाइट्रस लगता है, गैसेस लगते हैं, मेडिसिंस लगती है ओटी की, ये सारा चीज़ मिला के और प्लस सर्जन चार्जेस, ये सब मिला के, मेडिसिन चार्जेस सब मिला के हमारा 2.5 हुआ था। हॉस्पिटल में वो यहाँ पे लगभग 13th को एडमिट हुआ है एंड डिस्चार्ज हुआ 27th को, ये पूरा कोर्स उनका 2.5 में हुआ है, कम्प्लीट हुआ है। तो 2.5 अगर आप बता रहे हैं तो इनका जो उनकी जो फैमिली है या जो लोग है, जो बातें चल रही है उसमें 8 लाख की बात कहाँ से आ गई? तो चीज़ ये हो सकती है, वो हो सकता है उन लोग वो रेडिएशन को भी इंक्लूड इसमें करें, जो हमारे पास नहीं हुआ है। हमारे पास जो ट्रीटमेंट हुआ है वो ऑपरेट हुआ है और कंकरेंट कीमो हुआ है। एक कीमो का चार्ज हमने 10,000 लिया है उनसे, जिसमें अलग अलग चीज़ें होती है, कीमो मेडिसिन होती है, जनरल मेडिसिन होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रोटोकॉल चार्ज होता है, जो ये कैंसर सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं उनके चार्ज होते हैं फिक्स के, वो एक एक कीमोथेरेपी का इतना चार्ज बेसिक करते हैं, वो होता है और प्लस हॉस्पिटल एक दिन का स्टे होता है। तो ये सब मिला के उनका 10,000 हुआ है, उसमें सब कुछ था एक कीमो का। तो ऐसे 5 कीमो हमने किया है जिसका 50,000 हुआ है, तो ये ऑपरेट एंड कीमो दोनों मिला के हॉस्पिटल को 3 लाख रिसीव हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है कुछ भी। और ये जो सारी चीज़ें आपने उनको बताई पेशेंट को कि जो ये सब हो रहा है, जो लोग आए, रिसिप्ट उनके पास है जी। ये हमारे पास भी रिसिप्ट है इनका, ये रिसिप्ट उनके पास भी है। और बाकी रेडिएशन का जो होता है कॉस्टिंग वगैरह 2 से 2.25 लाख होता है, जो सर के लेटर पे उनको 1.43 में किया गया, उसमें भी कंसीजन किया गया। तो ये शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन की टीम यहाँ पर आई थी, आपसे इन्वेस्टिगेशन किया गया, क्या सारी चीज़ें रखी सामने आप? असल में शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन को हमने ही बुलाया था, इंटीमेट किया था, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग आए थे जो बहुत केओस कर रहे थे और हमारे दूसरे पेशेंट भी सब डिस्टर्ब हो रहे थे। इसमें ये हम लोग को 3 दिन से ये बोला जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है इनफैक्ट, कि इनको जो इनका लगा है वो वापस रिटर्न कर दो, जो इन्होंने कितने पैसे की डिमांड कर, इन लोग ने स्टार्टिंग में भी 3 बोला है, आज भी ये आए हैं, आज भी वही बात हो रही है कि 3 लाख इनको देंगे तब मामला सेटल होगा, और उसके बाद में भी ये बोला जा रहा है कि आगे और जो कार्रवाई करनी है होगी वो हमको सेटल करना है। तो अभी जो भी है पेपर्स हमारे सब है, कल सर ने बुलाया भी है पुलिस स्टेशन में, कल हमको जाके पेपर अपना पुट ऑन करना है, और हमारा यही है पुलिस स्टेशन में ये बोलना है कि बॉडी को हम लोग हैंड ओवर अपने साइड से नहीं करेंगे, हमको पीएम करवाना है, जो भी कॉज ऑफ डेथ है वो पीएम में आएगा। इनका कहना है कि हमने नेग्लिजेंस किया और इनके साथ धोखाधड़ी की, धोखाधड़ी का मेरे पास प्रूफ है कि मैंने पैसा इनसे नहीं लिया, मेरे पास 3 लाख दिया, उन्होंने 8 लाख का क्लेम किया है। तो ये अभी जैसे जो इनकी फैमिली है वो बोल रही कि जो बॉडी है वो हम लेंगे नहीं या जब तक का सेटलमेंट नहीं होता, या फिर कुछ चीज़ों पे बात हुई है जो वो बता रहे हैं कि हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, अब इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है? नहीं, पोस्टमार्टम तो अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये एक बहुत पेचीदा मामला हो गया है, ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो उसको क्लियर हमको करना है कि हमारी नेग्लिजेंस अगर है तो डॉक्टर्स पैनल डिसाइड करेगी कि नेग्लिजेंस है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास पेपर है, ओटी नोट्स है, एनेस्थेटिस्ट नोट है, रिपोर्ट्स है, जो हमने वो फ्रोजन सेक्शन किया था, सीटी का रिपोर्ट्स है, वो सारी चीज़ हम पुट ऑन करेंगे, उसके बाद वो पैनल डिसाइड करेगा कि हम नेग्लिजेंट पार्ट पे थे या नहीं थे। अब इसमें से एक कुछ सोशल वर्कर जो यहाँ पे आए हैं 3 दिन से, वो हमको एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने पेशेंट को टेरिस पे रखा था, उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक मेरे पास एक वीडियो है जिसमें हमारा दूसरा कैंसर पेशेंट, वो रूम में रुकने के लिए तैयार नहीं है, वो बोल रहा है कि हमको बास इतनी आ रही है कि हम रुक नहीं पाएंगे, इवन इनके रिलेटिव वहाँ पे जाते थे अंदर फिर वापस बाहर आ जाते थे। आज बोलने के लिए तो हमारे साथ बहुत सारी कंप्लेंट है इनके पास, लेकिन ये अगर 5 तारीख से हमारे पास एडमिट है, 20 तारीख तक, 25 तारीख तक ये रखे हैं, अगर हम नेग्लिजेंट थे तो आप 20 दिन यहाँ पे क्यों रुके हो? लेकिन सवाल ये भी तो है कि जब आप बता रहे कि फर्स्ट ऑपरेट आपने किया था जो टंग का था, वो सब क्लियर हो गया था, क्लियर होने के बाद फिर वापस कब एडमिट हुए और क्यों एडमिट हुए? जी, यही 5th को जब ये एडमिट हुए थे, इसके पहले भी आए थे फॉलोअप में यहाँ पे, तो उनको बोला गया था कि आप एक बार गांधी सर को दिखाओ, क्योंकि कभी कभी पोस्ट रेडिएशन सूजन आ सकती है, ऑस्टियोमायलाइटिस इन्फेक्शन होता है, पस डिस्चार्ज होता है, वो सारी चीज़ हुई थी, हमने उसको नोटिफाई किया, पस को भी हमने निकाला, कल्चर के लिए भेजा, जैसा सर बताते हमने किया, कल्चर्स के लिए भेजा, रिपोर्ट्स में आया है कि उसमें इन्फेक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली हमने एंटीबायोटिक भी दिया जब वो स्टार्टिंग में एडमिट हुए थे। तो लेकिन 1.5 महीना पहले भी ये गए सर के पास, वो टाइम पे भी इनको यहाँ पे थोड़ा पेन हुआ था, थोड़ा स्वेलिंग जैसी थी, और हम लोग ने सिटी स्कैन किया था, ये बोल रहे हैं कि हमारे बोलने पे हुआ ऐसा नहीं है,
यहाँ पे दिख रहा था कि पस डिस्चार्ज वगैरह है, थोड़ा सा स्वेलिंग यहाँ लग रही थी, तो हमने ये बोला कि वो ऑफिस से रिकरेंस आया है कि नहीं आया है चेक करना है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है आप कितना भी अच्छा टाइट कंट्रोल रखो उसकी टेंडेंसी है कि एक जगह का टाइट कंट्रोल रखेंगे तो वो स्लिप होकर कहीं पर भी फैल जाएगा, और इनके केस में वही हुआ, क्योंकि टंग के पास अभी भी सिटी स्कैन की रिपोर्ट देखोगे टंग में मास नहीं दिखा रहा कहीं पे भी, मास लीजन आपका फर्स्ट ट्रिप पे दिखा रहा है, जिसको सर ने 1.5 महीना पहले बोला है कि आप बायोप्सी कराओ, इन्होंने बायोप्सी नहीं किया, हमने पर्सनली अपॉइंटमेंट भी लिया, कंसेशन रेट में इनसे बात करी थी डॉक्टर से कि कंसेशन रेट में करना है, लेकिन वो टाइम पे इन्होंने हमको नहीं आके डायरेक्टली बोला कि हमारे पैसे नहीं है हम लोग अरेंज कर रहे हैं, ये बात इन्होंने की थी, अभी आज ये सीधा मुकर रहे हैं कि किसी ने कुछ बोला नहीं है, जबकि 1.5 महीना पहले सर की हैंड राइटिंग नोट्स है उसको ओपीडी पेपर पे वो उनके पास भी रखा हुआ है, अभी 4-5 दिन पहले जब ईद के 1-2 दिन पहले हमने वापस उनको भेजा कि सर थोड़ा एक बार इनको देखना है, तो उनको वो सर ने देखा उन यहाँ पे पस पानी था, मैंने वीडियो भी उनको बना के भेजा सर को, तो सर ने बोला ये साइटोलॉजी के लिए भेज दो उसको, पानी भी अगर निकल रहा है तो उसको निकाल के भेजो, वो लोग बायोप्सी नहीं कर पा रहे, तो एक थोड़ा हेल्प के तौर पे हम लोग यहाँ से एक रेट्रोग्रेडली कुछ हेल्प करें पेशेंट को, तो हम लोग ने निकाल के साइटोलॉजी भेज दिया ईद के 2 दिन पहले, बकरीद के 2 दिन पहले, और इनको बोला कि आप डिस्चार्ज ले लो, जब रिपोर्ट आएगी तब उसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली सब एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जैसे ही इनको बिल दिया 5th से लेके 15 तक का, तो उसके बाद से जो सोशल वर्कर लोग का आना चालू हुआ और न्यूज़ रिपोर्टर आ रहे हैं, उसके पहले कोई भी नहीं दिखा, आज वो बोल रहे हैं कि मेरे को इन एंड आउट स्टार्टिंग से सब केस इनका बारे में सब मालूम था, तो जब स्टार्टिंग से मालूम था तो आपने पहले इनको गाइड क्यों नहीं किया कि यहाँ मत कराओ कहीं और कराओ, ये भी आरोप लग रहा है कि इलीगल हॉस्पिटल है, पेशेंट का जो रिलेटिव्स है कि इलीगल हॉस्पिटल है यहाँ पर और नेग्लिजेंस की गई है, नेग्लिजेंस अभी जो भी होती है वो आपको पीएम रिपोर्ट में मालूम पड़ेगी नेग्लिजेंस हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि उसमें पेपर्स भी देखे जाते हैं, पीएम रिपोर्ट भी देखी जाती है, उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि नेग्लिजेंस हॉस्पिटल के पार्ट पर था या नहीं था, रही बात लीगल इलीगल की, वो बीएमसी में मैटर चल रहा है, क्योंकि ये कुछ बीएमसी के नॉर्म्स है जो 2006 में बंद हो चुके हैं चेंज ऑफ यूज़र के, उसके बाद से जितने भी हॉस्पिटल है किसी को भी चेंज ऑफ यूज़र नहीं मिला और किसी को भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, दो के हम लोग ने अप्लाई करके रखा है पहले से 2014 से ही हमने अप्लाई करके रखा है कि हमको फॉर्म सी या कुछ एक लीगल डॉक्यूमेंट मिले जिसकी वजह से हमको तकलीफ ना आए ये सब लोगों के वजह से, तो मतलब हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको लेके कोई ऐसे इलाज में कुछ कमी हो गई नहीं, अगर फैसिलिटी वाइज देखेंगे हमारे पास नीचे भी वेंटिलेटर है, जहां हम ओटी ऊपर यूज़ कर रहे हैं ओटी में भी वेंटिलेटर है, सिरिंज पंप है, जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ऑपरेशन के बाद की ऑपरेशन के दौरान की वो हमने पूरी रखी है ताकि पेशेंट को कहीं तकलीफ ना हो। अच्छा अभी जैसे इतना सारा सब कुछ बवाल चल रहा है, पुलिस स्टेशन के अंदर मामला जा चुका है ऑलरेडी, लोगों के बीच में सारी चीज़ों की बवाल है, अभी जो लोग आए थे काफ़ी सारे जो उनके तरफ से भी आए थे सोशल वर्कर आए थे रिपोर्टर्स बहुत सारे मैंने देखे यहाँ पर, तो फाइनल डिसीजन क्या हुआ कि अब क्या किया जाएगा इसके ऊपर? फाइनल डिसीजन हमारे साइड से एक ही चीज़ है कि बॉडी जाए पीएम में, ये हम डिमांड कर रहे हैं कि बॉडी को हम पीएम में भेजेंगे ताकि जिसका भी जो भी डाउट है कि नेग्लिजेंस हुआ है नहीं हुआ है लेट द ऑथराइज पर्सन डिसाइड कि नेग्लिजेंस था या नहीं था, हम तो अपने साइड से हम बोलेंगे कि हमने नेग्लिजेंस नहीं किया, आप बोलोगे हमने नेग्लिजेंस किया, लेकिन बीच का एक बंदा होता है जो किसी के साइड नहीं होता, अथॉरिटीज है वो डिसाइड करेगी, मतलब आप लीगल चीज़ों के लिए तैयार है कि आप जाके देख लो अगर हमारी गलती है तो हम उसकी सजा के लिए भी तैयार है। ओके, 2 दिन से हमको इतना हैरेसमेंट हुआ था कि हम लोग 3-4 दिन से सोए नहीं है, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट सब जमा कर रहे हैं सारे जगह पर, देखिए हमने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, एक हमारे पुलिस स्टेशन में, एक हमारे जोनल डीसीपी में, एक सीपी में, और एक हमारे हेल्थ एमओए जो होते हैं। कौन लोग हरेसमेंट कर रहे हैं इसमें? कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है, जैसे कुबा फाउंडेशन की कोई शहनाज मैडम है जो बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो रही थी यहाँ पे उसी दिन से 15th से, उसके पहले वो लोग नहीं आए थे, और 22nd को ये लोग यहाँ पे आके वीडियो बना रहे हैं कि पेशेंट को छत पे रखा है वहाँ बेडशीट नहीं है, उसका भी रीजनिंग है कि बेडशीट हमने डाला था पहले रिलेटिव को, और ऊपर रखने से पहले हमने रिलेटिव एंड पेशेंट को दोनों को पूछा था कि यहाँ रिलेटिव पीछे से पेशेंट लोग का इसका रिलेटिव अपना रेसिडेंस का बहुत कंप्लेंट आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है बाहर तक जा रही है। तो जो बास आ रही थी उसकी रीज़न क्या थी, मतलब क्या सड़ गया था? स्मेल रहता है, वो कैंसर कहीं पर भी रहता है तो उसमें स्मेल बहुत आती है, और प्लस पस भी था उसको, तो पस का तो अपना ट्रीटमेंट चालू ही था, और स्टार्टिंग डेज थे तो उसमें बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन एंड थोड़ा थोड़ा कर करके धीरे धीरे कम हुई थी। तो अभी डेड बॉडी कहाँ पर? अभी फिलहाल मैं ऊपर ही हूँ, तो मतलब कैसे और रिलेटिव क्लेम नहीं कर रहे उसको लेके जाने के लिए, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको पीएम कराया जाए, क्योंकि कुछ अलग ही डिमांड आ रहा है, पैसों का डिमांड आ रहा है, जब हमको पता है कि हमारे साइड से कोई तकलीफ नहीं है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो रिपीट आती है, उसमें किसी का कोई जोर नहीं है। अब मेरे मामू खुद के वो भी एक्सपायर हुए कैंसर में, उनका डिटेक्शन से लेकर एक्सपायरी जो पीरियड रहता है वो हमारा 5 महीना, उससे ज़्यादा नहीं। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ कैंसर सर्जन, हम लोग उनको हेल्प नहीं कर पाए, हमने तुम्हारे केस में तो कम से कम हमको ऑपरेट करने का वो मौका मिला, ऑपरेट किए, रेडिएशन किए, कीमो किए, ये हमारा बैड लक है कि बीमारी वापस आ रही है,
किसी किसी कोई कोई पेशेंट है 5-5 साल चल गए, कोई कोई पेशेंट है 10-10 साल चले, उनका भी रिकॉर्ड है अभी। तो जो मेडिकल डायरेक्टर रेहान थे ये उनके पक्ष थी, मतलब इनकी तरफ से जो हमने जो चीज़ें चली कि अब्दुल कयूम खान जो यहाँ पे जो मृतक है जिसको लेकर के मन्नत हॉस्पिटल के बाहर जो बवाल हुआ, तो ये इनका पक्ष था। फिर से मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ कि जो अब्दुल कयूम जो मृतक है उनकी फैमिली के लोग अगर इस विषय पे इस संबंध में कुछ अगर कहना चाहेंगे तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम उनका भी जो उनका पक्ष है वो भी रखेंगे। अभी फ़िलहाल मामला यहाँ रुका हुआ है कि डेड बॉडी जो हॉस्पिटल में ही है, कल सवेरे जो है शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में इन सारी चीज़ों को रखा जाएगा, उसके बाद इस पर कुछ फैसला लिया जाएगा। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी।